हम क्या क्या फाइंड कर चुके हैं, एनएच हाइट जो फाइंड किए थे, डिस्टेंस ऑफ एनएच एनएच ब्राइट पिंच हमने फाइंड कर लिया था, डिस्टेंस ऑफ एनएच भानु चौधरी और ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनएच ब्राइट पिंच कितना आ रहा है, एक्स एन भी कितना आ गया था बताओ, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एनएथ डार्क फ्रिंज कितना आ चुका था हमारा, टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। उसके बाद फ्रिंज विड्थ हमारा कितना आ गया था, फ्रिंज विड्थ हमारा आ गया था लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये हमारा फ्रिंज विड्थ है, तीन चीज आ गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइड टू डी, अच्छा लैम्डा बाय टू आता है इसका, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाईडीएससी सेटअप है, एक वाईडीएससी का सेटअप है, ठीक है। उसको क्या कर दिया गया, वाटर में इमर्ज्ड कर दिया गया, ठीक है। वाईडीएससी सेटअप को वाटर में इमर्ज्ड कर दिया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1.33। It has slit separation. Slit separation आने की small d. Slit separation क्या है? Small d कितना? Slit separation आपको दे दिया 1 millimeter. 1 millimeter आने की 10^-3 meter. 1 millimeter आने 10^-3 meter. Distance between slits and the screen is 1.33 meter. Slits और screen के बीच का distance कितना है? 1.33 meter. ठीक है? इंसिडेंट लाइट ऑन स्लिट्स का वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 6300 एंगस्ट्रॉम, 6300 एंगस्ट्रॉम यानी 6300 इनटू 10^-10 मीटर, 6300 इनटू 10^-10। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन, फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, बीटा, फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, फ्रिंज विड्थ कितना, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये लेकिन जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट का, जो वेवलेंथ है वो वैक्यूम वाला केस दिया, एयर में दिया है, लेकिन और जब एयर, जब वही वेवलेंथ जब किसी मीडियम में जाएगा चेंज करेगा या नहीं करेगा, वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। और अब हमारा जो फॉर्मूला जाएगा, अगर हम किसी मीडियम में डाल देंगे तो वहां पर जो इसका फॉर्मूला आएगा वो लैम्डा बाय म्यू से डिक्रीज करेगा, इसलिए ये क्या है, अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आसना कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझे, रिया नहीं है अभी, 10th का क्लास ले रही है, हां 10th का क्लास चल रहा है उसका, उसका लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू इनटू स्मॉल डी। तो यहां पर बीटा फाइंड आउट करो, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कितना है, 6300 इनटू 10^-10 6300 इनटू 10^-10 लैम्डा, कैपिटल डी कितना है, 1.33 अपॉन म्यू, म्यू कितना है, म्यू भी कितना है, 1.33, और डी कितना है, स्मॉल डी, 10^-3। तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। कहां चला गया था जी, तो यहाँ क्या पर 10^-10 10^-10 तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10^-7 हो जाएगा, 6300 × 10^-7 मीटर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3/4, बीटा इज इक्वल टू 0.63 × 10^-3 मीटर। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से क्या लिख देंगे, बीटा इज इक्वल टू 0.63 मिलीमीटर, 0.63 मिलीमीटर, ठीक है। चलो नोट डाउन करो फटाफट, बताओ।
नोट कर लो बेटा, वो क्या है अब क्या करोगे किस्मत में तुम्हारे, तो पेंसिल आंसर नोट करना भी लिखा है तो उससे कहा नहीं सर, प्लान बना रहा है नोट के लिए, मैंने सुन लिया है क्या अगले टॉपिक के बारे में, अगले टॉपिक किस से आगे चलेंगे नहीं अभी इंटरफेरेंस कंप्लीट का हुआ आईडीएस से, अभी तो लंबा है YDSA का ही टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है और नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इन YDSA, उसके बाद पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ सन। अरे अरे कौन बोल रहा है, पढ़ ही देख लीजिए ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक है सर, से मतलब जब छोटे दिन छोटे तब एक बार एक क्लास छूट जाता है तो उसको बैकअप करना नहीं सर, जैसे आपने बताया ना पहले सुबह बदल से कोई तो कंटेंट चाहिए नहीं, मैंने तो पढ़ाई पढ़ा था लेकिन पता नहीं वही क्या इंसान को दिया है, तो मैंने ये पढ़ा था कि सेंट्रल पॉइंट से जो पॉइंट होता है सेंटर लाइट होता है, ये सेंट्रल डार्क होता है, ये सेंटर पॉइंट देख लिए सेंट्रल डार्क भी है, नहीं सेंटर डार्क सॉरी सेंटर डार्क हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं भाई, हालत है तुम तो खुद ही जान रहे हो कि पहले से तुम मैकेनिक्स पढ़े हो एक क्लास में पढ़े हो उसका डिफरेंस होता है, पहले से तुम क्या वो ऐसा सर वो हमने लगा आज क्लास कैसे तुम पहले रात में बंद कर दिया मेरे पर बहुत तनाव हो गया साइड में क्या बहुत दो के हो गया ना क्लास का पता ही नहीं चलता सर, केमिस्ट्री का भी किसी ने सवाल फोन करके कहा था सर मुझे, हां मेरी क्लास हमेशा जो है कम से कम नहीं तो मिनिमम 12 घंटा पहले पता चल जाती है, समझे मेरे क्लास में जिसको बोल दिया है उस सडन एक दिन अभी हुआ है पिछले दो ढाई महीने में एक दिन हुआ है कि जो 10 बजे से मेरी क्लास लग गई थी, यस सर वो मैं और अपनी कोशिश में अपना जो टाइम था उसमें भी मैंने 9:45 मिनट का मैंने असल इन्फॉर्मेशन दिया, उस समय तक मैं सडन में बैठा हुआ था आराम से, मुझे 9:45 मिनट जाके इन्फॉर्मेशन दिया कि सर ये हम बोलूं कि चाहिए कैसे हैं बनाए मैं बिल्कुल सिंपल बिल्कुल किसी तरह से फिर तक बोले ठीक है मैं कोशिश करता हूँ 10:40 तक आने का 10:38 में यहाँ पर बोल दूँ टाइम नहीं देखो एक दिन तो रहता है ना कोई भी चीज़ बोल दो उससे पीछे हो जाए बस उस टाइम में अच्छी बात समझे, इसलिए टाइम पे कम से कम क्लास फिजिक्स का क्लास गया होगा तुम देखना चाहिए, ऐप में भी जो खोल करके नहीं देखे होगे तुम समझे तो उसका लापरवाही है, तुम लापरवाही करोगे तो लापरवाही का बहुत सिस्टम भी करेगा करोगे कोई नहीं करेगा बात वो नहीं है, इस जगह पर आज कल जो मॉर्निंग में क्लास लगा था उसमें सिस्टम तो बदल गया, हां आपके दूसरी क्लास में नहीं होगा लेकिन जो मॉर्निंग में जो क्लास लगी थी उस पर कोई गलती नहीं, तो टायर इंफॉर्मेशन 12 घंटा पहले आपको मिल गया होगा कैसे समझे, और मैं भी 20 मिनट पहले इंफॉर्म ऐसा किसी गलती नहीं मेरी गलती है ना, मैंने किसी और की बात थोड़ा मतलब नहीं बात इन YDSA सेटअप find the distance between two slits, देखो वो फिर से क्या है YDSA का ही क्वेश्चन है, YDSA इसमें कितने फॉर्मूले हैं मिला जुला करके इसी में से घुमा फिरा के आगे देखो इंटेंसिटी निकालने के लिए आएगा, तो क्या बोल दिया आपको इसमें बोला हुआ है कि थर्ड मिनिमम फोर बोला है कि YDSA सेटअप find the distance between two slits, ठीक है that result in the third minimum 4200 एंगस्ट्रॉम, जो लाइट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है तो क्या बोल रहा है थर्ड मिनिमम वायलेट लाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पर ये थर्ड मिनिमम बन रहा है, मतलब देखो ये अगर यहाँ पर YDSA है ठीक है तो यहाँ पर तो ये तो सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पर एक फर्स्ट मिनिमम होगा यहाँ पर फिर ब्राइट होगा फिर सेकेंड, या मान लो यहाँ पर क्या हमारा थर्ड मिनिमम, ठीक है क्या दिया हुआ थर्ड मिनिमम दिया हुआ, ठीक है यहाँ पर आ रहा है मिनिमम कौन सा थर्ड, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है सेटअप का रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइट, तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी जा रही है, इस डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है टेक डी इज इक्वल टू ठीक है डी की वैल्यू फाइंड कर दी, तो अब देखो थर्ड मिनिमम यहाँ पर होगा तो हमें क्या दिया पता है ये थीटा एंगल दे दिया है, ठीक है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा थर्ड मिनिमा के लिए हम जानते हैं 2n माइनस 1 इनटू लैम्डा बाय 2 ये पाथ डिफरेंस होता है, क्योंकि भाई सोचो ना पहला मिनिमा कहां पर आएगा लैम्डा बाय 2 पर,
दूसरा मिनिमा कितना आएगा 3 लैम्डा बाय 2 पर, तो तीसरा मिनिमा कितना कहां आएगा 5 लैम्डा बाय 2 पर, तो ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2। ठीक है, क्या तो n की जगह 3 रखो वहां से भी 5 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, और जो पाथ डिफरेंस आएगा, अब हमारे पास थीटा दे दिया है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना होता d sin थीटा, हमने प्रूफ किया था सुबह-सुबह d sin थीटा, तो यहां से हमें d रखो sin थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 = 5 लैम्डा बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d = कितना हो गया 5 लैम्डा, तो 4200 × 5 कितना हो जाएगा 2.1 × 10⁻¹ मीटर। बाकी ये तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समझ पा रहे हैं d sin थीटा डिफरेंस होता है, तो यही तो पढ़ा हुआ है, तो नोट करते जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने का ट्राई करो। पहले से रिकॉपी कर दो, अभी अभी लिखा है समझ करके लिखोगे ज्यादा मजा आएगा, मजा नहीं आएगा मजा नहीं लेना। चलिए ठीक है, आसना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, भानु भानु यस सर, यस सर सर क्वेश्चन हाँ पढ़ रहा हूँ सर।
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं बाय डीएसी सेटअप लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना वेवलेंथ है 6000 डीबी। व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स सो दैट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, यानी एक स्लिट के सामने देयर विल बी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, क्या रहेगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो लिख दो थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी कितना रहेगा 3 लैम्डा, और वो 3 लैम्डा किसके इक्वल रहेगा d / 2 के इक्वल रहेगा, 3 लैम्डा किसके इक्वल रहेगा, यहां जो d है आधे से ऊपर हम ले रहे हैं तो एक तो वो d / 2 के इक्वल रहेगा, या तो फिर उसको dx / d उसको पाथ डिफरेंस निकाल देंगे, पाथ डिफरेंस हमारा कितना हो, और वहां से x वो x की वैल्यू वहां से निकलेगा भाई d / 2 हो जाएगा, यही बोला है ना स्लिट डिफरेंस निकालने के लिए बोला है सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, ठीक है ना, डी पूछा स्मॉल डी तो देखो हो जाएगा, इसका डायग्राम बनाते हैं फिर बताए दस स्लिट्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं, हां और ऐसा है सर आज आपने देख वही रखा वही प्रीवियस ईयर के जो जी वन है फ्लेक्स वन, हां बस सारे क्वेश्चन सॉल्व, डाउट आउट तो नहीं आते, ये सब आते होंगे सर के अगर जो कंसेप्ट में वही है सॉल्यूशन भी रखा है समझ आ जाता है, कंसेप्ट करा रखा है ना सर, कंसेप्ट तो सारे करा रखे हैं, प्रॉब्लम ये कि अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करें तो कितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे सर, वैसे तो हो जाते हैं काफी 10-8 मतलब ही नहीं होते 90% हो जाते हैं वहां से कॉपी में, हां समझो इसी तरह से करते जाने सर ला दीजिए वो भी सब मैंने रखा हुआ होगा कहीं बैग में रखा, तुमने बोला था जो हमने कहीं बैग में लेके आया फोटो कॉपी कराया नहीं तू सर, यहां पे सभी के पेज कितने पेज, कितने पेज पूरा नहीं करा रहा है, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन करवा लो एक आंसर करवा दो, देखो इधर बोलो ना ये देखो ये मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है d, हमें यही फाइंड करने के लिए बोला गया है, यही फाइंड करने के लिए बोला गया ठीक है, और यहां से कितनी दूरी है d = 1 मीटर पर स्क्रीन लगा हुआ है ठीक है, d = 1 मीटर पर स्क्रीन बोला हुआ, यहां पर बोला कि किसी एक स्लिट, ये स्लिट ले लो ये स्लिट ले लो, ये स्लिट हमने लिया किसी एक स्लिट, यहां पर क्या आ रहा है थर्ड ब्राइट फ्रिंज आ रहा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज आ रहा है, तो ये जो है यहां पर पाथ डिफरेंस जो है हमारा इस पॉइंट पर कितना आ रहा है 3 लैम्डा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज आ रहा है यही है, और यहां पर ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या है x ठीक है x, तो हम यहां से लिख सकते हैं यहां पर पाथ डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, डेल्टा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, और पाथ डिफरेंस हमारा कितना था हमने सॉल्व किया था उसमें देख सकते हैं d इनटू x बाय कैपिटल d के साइन थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल ठीक है, x बाय d इज इक्वल टू क्या हो गया 3 लैम्डा ठीक है, अब हमारे पास देखो d भी अननोन और x भी अननोन, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे कम भी ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा ठीक है, d by 2 हो जाएगा x is equal to, यहां पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा d square is equal to 3 lambda into 2d, कोई प्रॉब्लम ठीक है, तो यहां से लिख देंगे d square is equal to, d square is equal to 3 lambda, कितना गिवन है lambda दिया हुआ 6 1000 into 10 raised to power minus 10 दिख रहा है उधर है जगह नहीं 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 दिख रहा यहाँ दिख रहा है ये वाला पोर्स लिख दो यहाँ आस्था देखो d square is equal to कितना क्या 3 lambda 3 को 3 लिख देंगे ये क्या हो गया 6000 into 10 raised to power minus 10 ऊपर पहुँच गया थोड़ा नीचे आप इससे नीचे ले सर उधर दिख रहा था सर ऊपर जा रहा था सर वेट अभी सही हो जाएगा एक मिनट अब देखो अब देखना ठीक है
ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इनटू लैम्डा कितना लिख दें, 6000 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 10, 2 इनटू हो गया, और कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना दिया 1 मीटर, तो हो गया डी स्क्वायर को 3 दूना 6, 6 हो गया इनटू 6 इनटू 10 माइनस 7, तो डी की वैल्यू देखो 6 में से 1 छटा तो 1 छटा रख लो, का 10 रेस टू पावर माइनस 7 है, तो 10 रेस टू पावर माइनस 6 रखो या तो 1 और दे दो कितना 10 रेस टू पावर माइनस 7 है माइनस 3, तो ये 10 रेस टू पावर माइनस 7 हो गया, 6 ओवर रूट 10 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 क्या 6 6 अपॉन यस सर रूट 10 रूट 10 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, तो रूट 10 रखने से उतना फीलिंग्स गुड नहीं आ रहा, हां हो जाएगा और भी सही हो जाएगा, तो ये काम करो, ये अच्छा देखने में नहीं लग रहा, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये इसको हटा दो, ये रूट 10 अब ऊपर पहुंच गया yes, और d इज इक्वल टू कितना गया 0.6 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 मीटर यानी 0.6 मिलीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आसना देखो क्या हां रूट 10 रूट 10 को तो यस सर वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना वो तो प्रिंटिंग वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है ये 6 बाय 10 क्या हो गया 0.6 इसके साथ में रूट 10 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 ठीक है ठीक है इस भी सब तो प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं आप लोगों को करने अलाउ नहीं होगा आप लोग एग्जाम में कीजिएगा यस सर मेरा देखो यहां पर मिट जाता है देखो यस yes. मेरा मिस्टेक लेकिन तुम लोग का मिस्टेक ने एक बार बोल गया वहां भर दिए बस वो प्रिंटिंग एरर वो वहां पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया वो प्रिंटिंग मिस्टेक कभी जब तुम लोग लाइफ में मौका मिले जब इधर आओ इधर अलाउ तुम भी ज्यादा अलाउ नहीं रहता है बच्चे छोड़ रहे हो तो ज्यादा अपने ये सब मिस्टेक का होता है अब तुम हर चीज में ज्यादा करके मिस्टेक करोगे फार्मूला लिखने में तुम मतलब कि उल्टा पुल्टा फोर्स का डिफाइन करोगे कुछ और फोर्स को डिफाइन कर दोगे मास इनटू वेलोसिटी और बच्चे क्या करेंगे सर ये बहुत पावर ही है ये हमने ही दिया मतलब एक एग्जांपल के तौर पर हम देना चाहे एक्सेलरेटर की वेलोसिटी का रेशियो पर इसका सोलो एक्सेलरेटर के मैं कुछ टीचर ऐसा दिस आर नो फ्रॉम कुछ टीचर ऐसा होते हैं ना बोलते हैं कि गलत फिर अचानक दिमाग में अच्छा अच्छा लेकिन वो तो तुम लोग को चेक कर रहे थे कौन ये ऐसा होता है बहुत सर हां बोलो सही है आपने ये बताया ना लैम्डा वो ये थर्ड फ्रिंज होगा तो फिर आपने x इक्वल टू डी बाय टू क्यों लिया सर वेरी गुड देखो जो हमारा सेंट्रल ब्रैड हमेशा देखती होगी कि सेंट्रल ब्रैड जो होगा वो लाइन बीच से जाता होगा ये पर क्या कहेंगे इसको हम सेंट्रल ब्रैड कहते हैं तो ये हमेशा क्या रहता है S1 से भी आधी दूरी पर रहती है S1 S2 से भी आधी दूरी पर तभी तो यहाँ पाथ डिफरेंस जीरो होता है ठीक है और हम मेजरमेंट यहाँ से करते हैं और ये जो लाइन है इसके सीधे है यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा डी बाय टू होगा यस सर वेरी गुड समझ में आ गया तो सर अगर हम ग्राफ से देखेंगे तो सर तो 3 लैम्डा तो सर आगे की तरफ जाएगा ना सर जो आपने वो ग्राफ आज बताया नहीं 3 लैम्डा आगे की तरफ कैसे जाएगा आगे इधर नहीं सर वो ग्राफ से वो जो आपने आज बताया है ना सर अच्छा, उसमें तो सर पहले 0 0 तो सर वो होता है फिर लैम्डा फिर 2 लैम्डा फिर 3 लैम्डा जैसे मान लो इसका इसको नोट किए आप लोग इतना चलो ठीक है मैं डाल कर देता देखो मान लो कि सेंट्रल ब्राइट है पाथ डिफरेंस जीरो हो गया यस सर फिर यहां पर ये डार्क हो गया ये लार्ज लैम्डा बाय 2 हो गया यस सर यहां पर फिर ब्राइट आ गया फिर लैम्डा आ गया यस सर फिर यहां पर तुम्हारा डार्क आ गया तो 3 लैम्डा बाय 2 हो गया ठीक है सर फिर यहां पर कितना आ गया 2 लैम्डा ब्राइट आ गया फिर यहाँ 2.5 लैम्डा आ गया डार्क आ गया और यहाँ पर फिर से ब्राइट आ गया पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा हो गया ठीक है सर ठीक है यस सर मैं तो यहाँ पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा इसको सॉल्व कर दो उसको इक्वेट कर देंगे इससे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व कीजिए। एग्जांपल नंबर एक क्वेश्चन चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आने हैं, जेई नीट में, नीट जेई में ऐसे क्वेश्चन आना। ढंग से बैठो थोड़ा सा भी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए इसको, पहले क्वेश्चन दो बार पढ़ो, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझने का कोशिश करो। विजिबिलिटी सही है, कोई नहीं तो साइलेंट कर दो, तो सुना भी पड़ेगा। देखो पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है क्या? इसका नया है, एक बार ग्रुप में सेंड कर दो। ग्रुप में डाल दो आसना इसको। ठीक है सर। चला जा रहा जा रहा वो उसको स्नेहा को मिल जाएगा आसना के पास नहीं तो। कई बार ट्रांसफर हो गए तो नहीं करता ट्रांसफर चलिए सॉल्व कर दूं क्या? आसना यस सर सॉल्व करें क्या? सर मत करिए। नो सर नहीं करते। क्वेश्चन तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं है तो बताऊंगा, तो पूरा बताऊंगा। क्वेश्चन बताना क्या है? इक्वेट कर देना है डार्क और ब्राइट फ्रिंज। देखो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन क्या है यही नहीं पता सर। सर उसके पास भी नहीं है सर क्वेश्चंस। अपने दो जो पहुंचा भेजो भेजो तुरंत पहुंच रहा मोहसिन। हर्ष को तुम बोला करो ये सब प्रॉब्लम भेजो उसको। तो इसमें क्या है जो दो कंडीशन दे रहा हो क्या कर? जो भी दे रहा हो जो भी है उसको इक्वेट करके डाल दो। उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लैम्डा का चेंजिंग पूछेगा क्योंकि यही तो है। को किसी का बोल देगा कि ये रखेंगे तो वहां पर ब्राइट बनेगा, वो रखेंगे तो डार्क बन जाएगा। तो जैसे जो क्वेश्चन में बोल रहा उसी तरह से हम लिख देंगे। अरे बट रखो सॉल्व हो जाएगा तुमसे सॉल्व होगा। आप लोग का यहाँ का टेस्ट कब से है? इस मंडे से। पहला चैप्टर कौन सा है? और एसओपी भी है उसमें। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो भाई एसओपी तो हो गई। सर अब रोटेशन पूछ रहे हैं। बोलो
सर अगर मैं कुछ बोलूंगी तो सर मेरी आवाज बहुत ज्यादा बाहर जाएगी। सर ये सर सर से बोलिए ना सर, हमारा प्रीवियस ही वाला भी तो टेस्ट लें सर, फिर हम भूल जाएंगे सर प्रीवियस वाला। चलो प्रीवियस कोर्स भी आना चाहिए, प्रीवियस कोर्स का भी जो पीछे का जो अभी तो जो हो चुके हैं। देखो अब मैं क्या बोलूं यहाँ पर, मतलब कि ये कि खुद ही उसको देख देख करके प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, आना तो चाहिए, हमसे क्वेश्चन मांग लेना जो भी चैप्टर का करना होगा, ठीक है, यानी तो एक बार डिस्कस कर लेना सर से, समझे, नहीं तो हमसे क्वेश्चन मांग लीजिएगा, ठीक है, और मैं मिल जाऊंगा बैठा हुआ तुरंत एकदम 15 से 20 मिनट में, फोटोकॉपी करा लेना 20 मिनट के अंदर, ठीक है। हर सर कहाँ पर मिल जाऊंगा मैं, वहीं पर मिल जाऊंगा, ठीक है, वो जान रहा है, समझे, ठीक है, यहाँ पर देखो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, एकदम बीइंग इन लिमिट, ठीक है, लिमिट में एक्सप्लेन। देखो इन YDSC सेटअप स्लिट्स आर इलिमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा कितना दिया हुआ 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्या बोल दिया, एंड लाइट ऑफ अननोन वेवलेंथ, एंड अननोन वेवलेंथ, दो लाइन के बारे में बात किया, एक का 4000 एंगस्ट्रॉम दिया और एक का क्या है अननोन है, तो पता ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो अननोन है वही फाइंड करो। And it is observed that fourth dark fringe of known wavelength. क्या fourth dark fringe? X fourth dark fringe. ठीक है, known वाले का fourth dark fringe of known wavelength coincide with the second bright fringe of unknown wavelength. Second bright fringe. यही है ना? Second bright fringe यही है? NF bright fringe क्या बोल रहा है इसको, fourth dark fringe किसके साथ coincide कर रहा है, उस second bright fringe के साथ में, तो फिर बता दो unknown wavelength, तो question दे दिया coincide कर रहा है, नहीं maxim central maxima से जितना दूरी पर इसका fourth बन रहा है उतना दूरी पर उसका second bright बन रहा है, तो कर देंगे height को लेकर के equate, fourth dark fringe is equal to second bright fringe, fourth dark fringe का formula fourth dark dark ये वाला रखेंगे हम, यस सर, चार दो नॉट करें साइड ऑफ सा 7 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, और ये क्या हो जाएगा यहां पर रख देंगे सेकंड ब्राइट 2 लैम्डा एंड लैम्डा डैश लिख देते हैं कैपिटल डी बाय डी, ठीक है, ये डी डी कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो गया खत्म, 7000 आ गया, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 7/4 इनटू लैम्डा, लैम्डा कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, तो कितना हो गया 7000, ठीक है, यस सर, खत्म हो गया। फिजिक्स जो कंप्लीटली इजी है, जब दो तीन बार रिवीजन हो गया तो लगता है अच्छा इतना आसान है, क्योंकि अल्टीमेट सारा कॉन्सेप्ट जितना हो सकता था जितना मैक्सिमम दिया जा सकता था वो दे दिया गया है, अब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या कर सकते, नहीं नहीं मतलब आप है तो बहुत, लेकिन अपने लेवल पर नहीं है, ठीक है, आप अपने लेवल पर नहीं है, जब शुरू में बोलता था कि आप लोग नोट्स सफिशिएंट है, इससे ज्यादा तुमको मिलेगा नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही कम मिलेगा, तुम लोग का क्लास दिया था ना मैं, उसको मैं तुरंत जाकर के क्लिक किया था, समझे, खुशी कोई खुशी नहीं, तुम मजबूरी होती है कभी कभी, ऐसी इतना फोर्सफुली डिमांड होता है कि करना पड़ता है, समझे, तुम लोग का क्लास किया तो घर में ही था, रूम में ही समय लेता करता था, क्या आज का ना आज का थोड़ी ना आज नहीं दिख रहा इतना, कितना चेंज सर, ये तो गर्मियों का, गर्मियों का है, सुबह सुबह जब तुम लोग का क्लास किया करता था उसमें क्लास दिया था, और पहले बोले तो चलो भाई इसी लफड़ा निकाल लेते हैं, तो सिर्फ मैं हो गया सर, जब ये देखा पसीना कौन सा है, पसीना तुम लोग का क्लास लेकर के तुरंत गया था, कैमरा में आ रहा है,
सब तक समय खत्म हो जाएगा तो तक खाली वो सामने वही से ऑब्जर्व करेगा बोर्ड के सामने खड़ा होकर के बकवास करते रहो वही उसी भी कैमरा में चलो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टाइम अब देखो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं 15 मिनट में फिर आप लोगों देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लाइट सीधे आ रहा था अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इन YTSE जैसे कि हेडिंग लिख लीजिए सर नीचे रुको मैं तो ऊपर लिखूंगा कैसे कौन कौन छोटे छोटे लोग क्लास लेते हैं इनको क्लास में कौन छोटे छोटे लोग क्लास ले रहे हैं आपने कितनी मेहनत की है हमारे पिछले सर मिंट का पहले देखते हैं भाई हमारे रेंट का फ्रूट मिलता है सर सबके सारे सेलेक्ट हो जाएंगे नाम नहीं बताऊंगा चलो अच्छी बात हम भी यही चाहते हैं समझ सकते हैं चल यहाँ देखिए इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन इन इंसिडेंट लाइट इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन इन इंसिडेंट लाइट इन YTSE ठीक है अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सीधा जाएगा तो क्या होगा यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ध्यान दीजिएगा इसको रफली नोट डाउन कीजिएगा रफ में नोट डाउन कीजिएगा ठीक है फिर के लिए मैं सेंड कर दूंगा ठीक है जैसे यहां पर एक स्लिट S1 है यहां S2 है और यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है स्क्रीन लगा हुआ है लेंथ कितना है कैपिटल D है तो हमने क्या देखा था जब लाइट सीधा आ रहा है जब लाइट सीधा आएगा तो यहां पर जाकर के सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा कब लेकिन लाइट जब सीधा आएगा तब अब हमारी मर्जी क्या हुई हमारी मर्जी तो लाइट ना आवे सी क्वेश्चन वाले की मर्जी क्या हुई कि उसने लाइट ऐसे ना भेज करके ऐसे टिल्ट कर दिया भाई क्वेश्चन तो आ सकता ऐसे टिल्ट कर दिया तो अब लाइट जो है ऐसे करके जा रहा ठीक है ऐसे करके टिल्ट कर दिया ठीक है अब देखो यहां से कितना एंगल टिल्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ठीक है तो अब देखने वाली बात है कि क्या अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगी ये सोचने वाली बात है ये लेंथ यहां से यहां तक का डी रहेगा ठीक है ये डी तो अब प्रॉब्लम यह है कि अब जब हम देखेंगे कि किसका पाथ डिफरेंस ज्यादा है तो ये इसका वेव फ्रंट यहां पर बन जाएगा ये तो अब देखो ये यहां से बनाकर वेव बना करके यहां पर चला गया यहां पर पहुंच गया ये यहां से लेकिन ये अभी कहां पर है यहीं पर पहले ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करेगा फिर ये यहां पर पहुंचेगा तो अब ये देखो ये क्या हो जा रहा पाथ डिफरेंस समझ में आ रहा है तो अब पाथ डिफरेंस ये हो रहा है तो अब ये डी हो गया ये एंगल थीटा हो गया ठीक है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ये भी एंगल थीटा होगा ये एंगल थीटा हो गया तो ये 90 है ये 90 माइनस थीटा हो गया ये 90 है तो ये एंगल थीटा हो गया या किसी भी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री आप कैलकुलेट कर लीजिएगा हो जाएगा ठीक है ये एंगल थीटा हो गया तो ये हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो कितना कैलकुलेट होकर के आ गया डी साइन थीटा अब जो है अब प्रॉब्लम हमारा ये आ गया कि पहले यहाँ पर सीधा लाइट आ रहा था ये ब्राइट फ्रिंज बन रहा था लेकिन अब यहाँ पर हमारा पाथ डिफरेंस आ गया कितना डी साइन थीटा तो अब हो सकता है ब्राइट फ्रिंज बने या जो भी बने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो पाथ डिफरेंस हो गया यानी यहां पर फेस डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू
डी साइन थीटा, कितना हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डी साइन थीटा। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो वेरी स्मॉल रहने देंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो फिर अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ गया, यहाँ पर जो बनेगा जो लाइट, पहले यहाँ पर कितना आ रहा था 4 आई लॉर्ड, लेकिन अब नहीं आएगा, अब कितना हो जाएगा 4 आई लॉर्ड कॉस स्क्वायर 5 बाय 2। अब सेंट्रल पर जो इंटेंसिटी है वो इतना आ जाएगा। तब क्वेश्चन आएगा ये बताओ ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट कहाँ हो गया, क्वेश्चन ये आएगा ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट कहाँ होगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि कम करे और ये ज्यादा कवर करे। तो हम इसको किधर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इधर कहीं वो शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि तो ऊपर वाला केस में ये देखो ऐसे चला गया और ये देखो ऐसे, अब ये देखो ये ज्यादा कवर किया। तो एक तब ये क्या है, ये और ये जब सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमा होगा, ठीक है। अरे मैक्सिमा मतलब कि जो पाथ डिफरेंस यहाँ डी साइन थीटा हो रहा है वो इसके पाथ डिफरेंस को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, ठीक है। कि इसका पाथ डिफरेंस और इसका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अरे हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और इसका पाथ डिफरेंस तो देखो, इसका पाथ डिफरेंस तो हमें पता है डी साइन थीटा, ठीक है। इसका पाथ डिफरेंस, इसका पाथ डिफरेंस हमें पता है डी साइन थीटा, और इसका पाथ डिफरेंस हम निकाले हैं कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले ही निकाले हैं। क्या निकाले थे, डी एक्स बाय कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से डी से डी कैंसिल कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अरे डी साइन थीटा हाइट हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज जो है क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। कितना ऊपर जाएंगे, तो यहां से इस पॉइंट से कितने ऊपर जाएंगे, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा में ऊपर चलेंगे तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। यहां पर इंटेंसिटी ये रहा, ठीक है। नीट के लिए एडवांस समझ में आ रहा है, नीट के लिए स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो शुरुआत के 25 क्वेश्चन रहते हैं उसमें कैटेगरी इसका नहीं है कि सब सॉल्व कर ले, ये अच्छे बच्चे के लिए क्वेश्चन नीट के लिए और जेई का क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है क्या, देखो इस पॉइंट के ऊपर पहले कितना होता, ब्राइट फ्रिंज हो रहा था 4 आई लॉर्ड, लेकिन अब क्या है, अब इसका पाथ डिफरेंस कुछ हो गया है, तो अब तो मैं कंस्ट्रक्ट पूरा 4 आई लॉर्ड तो होगा नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल टू फेस, पाथ फेस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से फेस डिफरेंस के बाद ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला देखा है ना, अपना भी एनर्जी ज्यादा है, वो बात नहीं है, इसको करते हम इसको पहले ही सबको बोल दी है कि अगर हमें सिर्फ खुशी, हम सबको खुशी होगी और दुख होगी, इफेक्ट आपको पड़ेगा ज्यादा बात है, तुम्हारा पूरा रहेगा इस बात पे, तुम्हारा पूरा करियर है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, इसीलिए आप लोग क्या डॉक्टरों के सिस्टम है, डॉक्टरों का समय ज्यादा झंडा को बोल देता हूँ कभी कभार काफी हो गया। अब देखो तो ऐसे बच्चे हमारे पास सुधरे हुए जिन्होंने नोट से बुला दिया, एक रिया और एक स्नेहा, और भी कोई है अपना ही नोट्स को ले लो, चलिए ठीक है। आज देखो यहीं पर अभी इसको ठीक है, इसका जो पढ़ाया होगा मैं देखता हूँ, कल अगर कभी बीच में सुबह से शाम से रात को प्रयास लेने का ये हुआ तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी मतलब नहीं कह सकते हैं, जैसे देखना पड़ेगा ना, कल संडे है सर, कर लेंगे आप क्लास, कल क्या है आपको कुछ प्लान है क्या, कोई कंफर्म नहीं है मेरा, यस सर। कितने बजे तक का है, कल पूरा है सर, अभी बताती हूँ सर चैट बॉक्स में, पढ़ाई के पढ़ाई से ले पढ़ाने के अलावा पढ़ाई का दूसरा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होना चाहिए नीट तक, है ना। अच्छा कोई नहीं, वेरी गुड, मुझे बताइए कि बात लिखनी आप तो पूरा बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, आप कोई नहीं जैसा को बता, ठीक है, चलिए जो भी होगा मैं ओके सर।
चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू सर।